Congratulations to all these states and congratulations to कांग्रेस पार्टी एंड ऑल अदर पार्टीज जिन्होंने ये वोट जीता. पता नहीं, मेरे फादर या हमेशा कहते थे कि कर्मों का फल सबको मिलता है. आज कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत टाइम से, बहुत सालों से ये नोटिस कर रही हूँ कि ये सब बेकार है. कर्मों का फल सबको मिलता है. अगर ऐसा होता तो फिर मोदी जी ने कुछ अच्छे कर्म तो किए ही थे, लेकिन शायद लोगों को दिखे नहीं. आज मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है क्योंकि मैं अंदर से टूट गई हूँ थोड़ी सी. सिर्फ इसीलिए नहीं कि वहाँ पे हार हुई मोदी जी की, पर इसलिए भी कि शायद मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ में भी सबको अपना अपना सेल्फिश इंटरेस्ट ही करना चाहिए. ये सब चीज़ें बेकार हैं कि अच्छे कर्म करो आपको अच्छे कर्म चीज़ें मिलेंगी. क्या स्वच्छ भारत, क्या फ़र्क पड़ता है, रहने देते गंदा. क्या कोई प्राइम मिनिस्टर देश की सफाई के बारे में सोचता है? क्या टॉयलेट्स, क्या सबको अफोर्डेबल हाउसिंग देना, यू नो, इन सब चीज़ों से कुछ होता नहीं है. अरे मैंने कहा था ना, किसानों का कर्ज़ा झूठा ही वायदा कर दो कि माफ़ कर देंगे, और वोट मिल गए. वैसे ये बात देखने की है कि कर्नाटका के किसानों का लोन वेवर अभी तक भी नहीं हुआ. पर झूठ बोलने में क्या जाता है? मैं दोबारा मोदी जी से बोल रही हूँ, झूठ बोलने से कुछ नहीं जाता. आज ये कलयुग का ज़माना है, यहाँ पे किसी को किसी के कर्मों का फल नहीं मिलता है. यहाँ पे जो बुरा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों की मेमोरी कितनी छोटी है. मतलब भूल गए कि इसी कांग्रेस ने कितने स्कैम्स किए थे, इसी कांग्रेस ने विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों को पैदा किया, इसी कांग्रेस ने गरीबों की सब्सिडीज चुराई, सब भूल गए. एक मैंने कहा था ना, एक दारू की बोतल या थोड़े से पैसों, और ये जो हिंदू रो रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बना, तो ऐसा है, देश की इकोनॉमी बर्बाद होने दो, राम मंदिर बना दो. भले ही लोग सड़कों पे हों, भूखे रह रहे हों. तो आज कुछ खास नहीं, बस दिल से कोई फायदा नहीं अच्छे कर्मों का. अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था. कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था. इसी रिक्वेस्ट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी के लिए, सर आप क्यों 24 घंटे 365 दिन काम करते हो और करते जा रहे हैं? ये देश आपको डिजर्व नहीं करता है मोदी जी. यहाँ पे हमारे खून में करप्शन जमता है, यहाँ पे सब चीज़ बिकाऊ है. हर आदमी सोचता है मेरा क्या, मेरा क्या, आज तो कर लें कल देखा जाएगा, देश का क्या. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश की क्या वैल्यू है बाहर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको अपनी ही पड़ी है. आपने हर गरीब के घर बिजली पहुंचाई, उनको इंश्योरेंस दिया, फसल बीमा योजना दिया, पता नहीं हर चीज, उनके बैंक अकाउंट खोले. लेकिन मैं आपको बताऊं, इनके वोट भी यूं ही बिक सकते हैं. यूं एक मिनट, एक दारू की बोतल में वोट बिकता है, थोड़े से चंद पैसे दिए, जातियों के वोट बिकता है. आप किसके लिए काम कर रहे हैं? उन्हें कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है. ये मिडिल क्लास जो 5 रुपए 10 रुपए पेट्रोल के भाव बढ़ जाने पे वोट खींच लेता है, ये वही मिडिल क्लास है जो बॉलीवुड में 400 करोड़ रुपए मूवीज पे खर्च करता है, जो पॉपकॉर्न पे 2000 रुपए एक बारी जाके दे देता है. इन लोगों के लिए क्या करना? इनको प्रॉब्लम ये है कि इनको टैक्स देना पड़ेगा. हमारे देश में सबको फ्री चाहिए, सब कुछ मुफ्त. आज आप अनाउंस कर दो सबको सब कुछ मुफ्त है. देखो, आपको एक भी वोट ना मिले तो मैं मान सकती हूँ. सबको चाहिए, यहाँ पे किसानों को चाहिए कि उनका कर्जा मुफ्त माफ़ कर दिया जाए, उनको इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है. उनको चाहिए कि बस हमें सब कुछ फ्री मिले. यहाँ ज़मीर बिकता है, यहाँ इंसाफ बिकता है. एक इनोसेंट आदमी 5 साल तक जेल में रहता है, उसके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, लेकिन उसे बेल नहीं मिलती. लेकिन वहीं एक पॉलिटिशियन जाता है जिसके ऊपर करोड़ों रुपए का प्रूफ भी होता है, उसको 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट से भी कम में बेल मिल जाती है, डेट के ऊपर डेट मिल जाती है. यहाँ ज़मीर बिकता है, कौड़ियों के भाव बिकता है. यहाँ पे सिर्फ देशभक्ति उसी दिन जागती है जब 15 अगस्त होता है, वो भी इसलिए क्योंकि फ्रीडम जो है ना, हमें फ्री में मिला था. हम लोगों के लिए तो फ्री में ही मिला था, जिन्होंने स्ट्रगल किया अलग बात है. तो मैं कहूँगी मोदी जी, आप अब बाकी का जो टर्म है उसमें एंजॉय करिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, उनको भी बड़े बंगलोज में रहने दीजिए जैसे अब हो रहा है. प्लीज़ मोदी जी, वी डोंट डिजर्व यू.